हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नया वीडियो मनोज शर्मा ब्लॉग्स में। दोस्तों, सुबह हो चुका है और सुबह का देखिए मौसम, धूप तो निकला हुआ है लेकिन देखिए ऐसे बादल किया हुआ है। और देखिए दोस्तों, हम लोग को इधर खाना बनने की तैयारी हो रहा है। देखिए चूल्हा चौका इधर निपा गया है और देखिए दोस्तों ऐसे लेवा दे रहे हैं डेगची में, इसको हम लोग पतीला बोलते हैं, डेगची भी बोलते हैं। देखिए इस तरीके से लेवा दिया जाता है क्योंकि आज हम लोग दोस्तों बनाएंगे खिचड़ी। खिचड़ी बनाएंगे, देखिए पालक यहीं से निकालेंगे और अरवा चावल का बनाएंगे। और ये देखिएगा अरवा चावल है, ये देखिए अरवा चावल को ही खिचड़ी बनाएंगे हम लोग। तो सोनू बाबू की मम्मी अरवा चावल बिछ रही है, सफाई कर रही है सही से। देखिए ये अच्छी तरीके से बिन लेंगे कंकड़ पत्थर। और ये देखिए टमाटर निकाले हैं यहीं खेत से, ये जो है ना टमाटर, इधर जो टमाटर लगा हुआ है इसी से तोड़ के निकाले हैं। देखिए इतना टमाटर हो गया है। और चूल्हा अब जलाएंगे, इसमें इसी पे बनेगा खिचड़ी गाय। और अभी पालक साग निकालेंगे खेत से, और देखिए ये है गाय पालक का साग, तो इसी को निकालेंगे और उसमें खिचड़ी में डालेंगे। आज कहाँ जा रही नहीं सर? बारी में साग काटेंगे। बारी में साग, चलो ये देखिए साग काट रही, काटो इसे। बढ़िया साग है ना? पालक साग है। पालक डालेगी और क्या डालेगी इसमें? टमाटर आलू। पालक टमाटर आलू। तो गाइस ये देखिए पालक काट रही है निशु, ताज़ा बिल्कुल फ्रेश। तो गाइस देखिए इतना साग कट चुका है, अभी और निशु काट ही रही है। अभी और काटेगी क्या निशु? और काटेंगे। का है? गल के थोड़ा सा हो जाता है ना। अच्छा गल जाता है। हाँ ये भी नहीं चलेगा, पालक साग जल्दी गल जाता है ना, लग रहा है इतना देखने में, लेकिन होगा थोड़ा सा। अच्छा हाँ, इतना में नहीं होगा, चलो फिर हो जाएगा। चलो देखिए ये कट चुका है, इस तरीके से काटें, ये फिर उग जाएगा, ये फिर निकल जाएगा। जड़ से उखाड़ने से क्या होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। और इस तरीके से अगर काट देते हैं ना, इस तरीके से अगर काटते हैं तो ये फिर निकल आता है। तो गाइस ये देखिए फाइनली इतना हमारा खेत से साग निकल चुका पालक का, ये देखिए बिल्कुल ताज़ा है, ये बिल्कुल ताज़ा। और इतना टमाटर निकल चुका है इसी खेत से गाइस। और इधर देखिए अरवा चावल चुन रही है सोनू बाबू की मम्मी, और इसी के बनाएंगे आज नमकीन चावल खिचड़ी। तो गाइस ये देखिए फाइनली पालक साग को अच्छी तरीके से धो चुके हैं और ये टमाटर को भी वॉश कर लिए। और इधर लेवा देखिए हो गया, सूख गया है, तो अब ये आग जलाएगी निशु। और गाइस ये देखिए चूल्हा भी अच्छी तरीके से जल चुका है, और ये देखिए पतीला भी चढ़ा दिए लेवा जो दिए थे। देखिए लेवा का फायदा ये होता है दोस्तों कि ये जो काला हो रहा है ना, अब ये धुलेगा तो साफ हो जाएगा, बर्तन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये पतीला चढ़ गया है, और इधर कुकर चढ़ा दिए, इसमें लेवा नहीं दिया, देखिए कितना काला हो गया है। तो इसमें दाल बनेगा और खिचड़ी में डाला जाएगा, दाल बना करके उसमें डालते हैं। और देखिए इधर पालक सही तरीके से वॉश हो चुका है, और टमाटर को भी वॉश कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद डालेंगे। और चावल तो इधर नहीं गया। देखिए दोस्तों पतीले में पानी डाला हुआ है, थोड़ा सा और डाल दे रही है निशु, ये है ना निशु। अब देखिए इतना पानी डाल दिए हैं, ये गर्म हो जाएगा, और ये दाल बनाने के लिए चढ़ा हुआ, इसमें चावल रख के रहा। तो चावल को ऐसे धो ले रही है निशु, ऐसे रगड़ रगड़ के धो लेते हैं, उसके बाद वो गर्म होगा तो उसमें डाला जाएगा। और अब ये पानी भी गर्म हो ही गया लगभग, नहीं नहीं अब चावल डालेगा उसमें। ठीक है डालिए। हाँ दोस्तों चावल डालनी है डेगची में,
और अब जा रहे हैं साग काट के डालेंगे, टमाटर डालेंगे, मसाला पीस कर डालेंगे। तब तक जा रहे हैं साग काटने के लिए। तो दोस्तों देखिए साग भी पतला पतला कट चुका है, अब साग भी डालेंगे। हाँ साग डालेगी इसमें, खिचड़ी में साग डालते हैं। चावल डाल दिया, अब साग डालेगी ना। उसके बाद दाल डालेंगे। अब इसमें हल्दी डाल रहे हैं और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक देखिए दोस्तों दाल भी बिल्कुल गल चुका है और इसको उसी में मिला दिया जाएगा खिचड़ी में, मस्त बनेगा बिल्कुल खिचड़ी मस्त। देखिएगा पत्ता वत्ता डाल के एकदम साग वाला। और सोनू बाबू देखिए इधर क्या कर रहा है, खेल रहा है। ये देखिए ऐड कर दिए उसमें दाल, अब ये पकेगा सही से। तो देखिए पत्ता झोंकना पड़ता है। अब दोस्तों ये इसी तरीके से बनेगा, अभी आधा पक चुका है, आधा और पकेगा, फिर जब फाइनली हो जाएगा पक जाएगा तो हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से बना खिचड़ी। और ये देखिए गाइस हमारा खिचड़ी बनके तैयार है बिल्कुल मस्त। लेकिन उसको छौंका देने के लिए देखिए इसमें सरसों का तेल और लाल मिर्च इसमें इस तरीके आग में गर्म कर लेते हैं पहले, और उसका बाद उसको छोंकेंगे यानी कि फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट ना गाइस ओहो ऐसा। और टमाटर की चटनी बाबर। अब देखिए ये तेल गर्म हो चुका है और अब इसको छोंका देंगे। वाह छोंका पड़ गया इसमें, देखिए अब देखिए कलर इसका, वाह 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 वाह। अब गाइस ये देखिए खिचड़ी का कलर, इसे छोंका मार दिए हैं लाल मिर्ची से, तो ये देखिए किस तरीके से मस्त लग रहा है, इतना लग रहा है ना मस्त। अब इसको खाने में और मजा आएगा, अभी तो ये टमाटर की चटनी भी बनेगा। तो गाइस अब देखिए हम लोग को खाना तो बन चुका है, अभी मेरा बाछी का भी खाना देना पड़ेगा, तो मेरा बाछी को लेके जाके छोड़ देते हैं खेत में ताकि ये भी अपना चरेगी, उसका बाद फिर चारा वारा जो कुट्टी है वो घर में आके देंगे, कुछ तब तक बाहर बांध देते फूट देते हैं उसको, खेत में चरेगी। तो बाहर जा रहे हैं सीखने के लिए। तो गाइस देखिए फूट दिए हैं बाछी को, बाछी उधर चर रही है आराम से, और देखिए कितना हरा हरा घास है, और देखिए उधर कुछ आदमी लोग नहा रहा है तालाब में। और गाइस ये देखिए हम
जानवर को फुट के आ रहे हैं गाय को, तो बाबू इधर दौड़ते आ गया। सोनू बाबू आ गया दौड़ के मेरा गोदी में, नहीं बेटा आ गया बेटा। तो दोस्तों आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और मेरा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट जो ब्लॉग बनाऊँ बढ़िया बढ़िया वो आपके आप तक पहुँच सके, और बेल आइकन ज़रूर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।